और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रेकिंग न्यूज मिमिक्री कांड पर बीजेपी का आज प्रदर्शन है। देश भर में बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी। मिमिक्री कांड पर विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी सड़क पर उतरेगी। देश के उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहा जाएगा, इसी नारे को बुलंद करते हुए बीजेपी के नेता आज आपको सड़कों पर नजर आएंगे। तो देश भर में बीजेपी का आज ये प्रदर्शन जो कुछ जगहों पर शुरू भी हो चुका है। बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का अपमान है और इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के सम्मान में बीजेपी सड़क पर। तो ये मिमिक्री और मिमिक्री से उपराष्ट्रपति का अपमान और संसद के बाहर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी जिन्होंने मिमिक्री की थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। कल्याण बनर्जी ने नकल उतारी और उस वक्त राहुल गांधी वहीं मौजूद थे, वो वीडियो बना रहे थे। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है मैंने वीडियो बनाकर कुछ भी गलत नहीं किया। सुनिए, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया उन्होंने, जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? आप बताइए, इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए, निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे किसानों का अपमान किया? नहीं नहीं, सुनिए, देखिए, वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो? मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें? तो ये मिमिक्री कांड को लेकर सियासी दंगल और संसद में जिस तरीके की आज हलचल रहने वाली है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी और सरकार की रणनीति को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे नीरज पांडे और विपक्ष की रणनीति पर आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए जनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत नीरज पांडे से करूंगी और जरा जानते हैं नीरज से कि संसद वाला संग्राम सड़क पर उतरकर बीजेपी की आज जो विपक्ष की घेराबंदी की तैयारी है उसे किस रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप नीरज? देखिए रुमाना, बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्रिस्टल क्लियर एक फार्मूला रखा है कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को मोड़ा है उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और नज़दीक ले जाना चाहती है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सड़क पर मार्च कर दिया, महिला सांसदों ने गांधी मूर्ति पर मार्च कर दिया, भारतीय जनता पार्टी इसको जाटों की और ओबीसी की लड़ाई बता रहा है और जाटों और ओबीसी का अपमान बता रहा है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को चुनावी दृष्टिकोण से भी देख रही है और चुनावी दृष्टिकोण से इसको इंप्लीमेंट करने की। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष और संसद का जो मामला है उसमें साफ है कि कल हम लोगों ने जब बात की सरकार के एक बड़े मंत्री से तो उन्होंने साफ कहा कि सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अगर कोई भी नेता फ्लोर में आता है या बेल पे आता है और तख्ती लेकर आता है तो वो हम सब ने एक आम सहमति से एक नियम बनाया है कि अगर बेल में आप तख्ती लेकर आएंगे तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष को या
सभापति को, राज्यसभा में सभापति को और लोकसभा में लोकसभा स्पीकर को यह अधिकार होगा कि वो सस्पेंड कर सकते हैं या कोई अधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है कि सरकार ने मत बना लिया कि ये नियम बना लिया है कि संसद है, संसद की मर्यादा है और संसद की मर्यादा को आप मर्यादा से ही चलाएंगे और इसके लिए ही ये नियम बनाया गया। तो इस नियम में कल के बीजेपी का भी कोई सांसद आता है तो उसके लिए भी है कि अगर राहुल गांधी सामने बैठे हों और उस समय बीजेपी का कोई सांसद बेल में आकर उनका विरोध करना शुरू कर दे तो उस समय उसके लिए भी वही नियम लागू होता है जो आज 141 सांसदों पर लागू हुआ। तो सरकार और बीजेपी की रणनीति यही है कि इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच में ले जाया जाए, जनता के बीच में इसको बताया जाए कि किस तरह एक बड़ी पार्टी के नेता, एक बड़ी पार्टी, एक मेन अपोजिशन पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी, वो किस तरह से लोकतंत्र के संवैधानिक पद पे बैठे एक व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी जो है अब ये संसद वाला मामला सड़क पर लेकर उतरने की पूरी तैयारी में, जिसके बारे में अभी जानकारी नीरज दे रहे थे। देखिए, राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री पर सत्ता पक्ष और विपक्ष घमासान इनके बीच लगातार छिड़ा हुआ है और जाति वाला एंगल भी अब तो कल आ गया है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मेरी जाति, ये किसान समाज का अपमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है इस विवाद को जाति से जोड़ना ठीक नहीं है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम, जो घटना सदन के बाहर हो गई आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा, अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। तो उपराष्ट्रपति के जाति के अपमान वाले वार का जवाब पलटवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी जाति के अपमान से जोड़कर एक तरीके से देते हुए नजर आए। आपने सुने वो दोनों बयान। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।